नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ये देखिए, हमने टोमेटोज को जर्मिनेट किया है प्रो ट्रे मेथड से। इसके सीड्स हमने करीब एक महीने को पहले इसमें डाला था। अभी ठंड की वजह से इतना समय लगा, नहीं तो ये 15 दिन में ही इतना ग्रोथ हो जाता है। इसमें जर्मिनेशन बहुत ईजिली हो जाता है। ठंड की वजह से इसमें बहुत स्लो जर्मिनेशन हुआ है, फिर भी प्लांट्स जो हैं देखिए कितने अच्छे हैं। अब इसे हम सॉइल में ट्रांसप्लांट करेंगे, वापस जमीन पर लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ग्रोथ हुआ है इसका। दोस्तों, प्लांट्स को सॉइल में ट्रांसफर किए पूरे एक महीने हो चुके हैं और अब देखिए प्लांट्स में कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है। इसके लिए हमने सॉइल जो प्रिपेयर किया है उसमें हमने लिया है गार्डन सॉइल 30%, उसके बाद गोबर की खाद 30% है और जले हुए लकड़ी का वुड ऐश 30%, और बाकी 10% हमने इसमें डाला है नीम की पत्ती। और इन टोमेटो प्लांट्स को लगाने के लिए हमने मिनिमम 2 प्लांट्स के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस रखा है, जितना कि सफिशिएंट है। और आप देख रहे हैं कि 2 टमाटर के प्लांट्स के बीच में हमने मूली का भी पौधा सीड्स डाल दिया है जो कि जर्मिनेट हो चुका है एक महीने में। मूली मतलब रेडिश, और इसमें टमाटर के साथ साथ हमें मूली भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि टमाटर का ग्रोथ तो ऊपर होगा और मूली का ग्रोथ नीचे होना है। अब देखिए दोस्तों, ये टमाटर के पौधे लगे हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इनके बीच जो हमने मूली लगाया था, रेडिश भी देखो कितना बड़ा हो चुका है और टमाटर भी अब पूरी तरह से देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गए हैं और कहीं कहीं छोटे छोटे टमाटर के बड्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, आप बने रहिए। अब देखिए 3 महीने पूरे हो चुके हैं और खूब भरमार हो चुकी है टमाटर की, और इतने ज़्यादा पकने लगे हैं कि मोहल्ले में बांटना पड़ रहा है। डेली कम से कम 4 से 5 किलो टमाटर हमें हो जाता है इसमें। बस केयर ये करना है कि अब ज़्यादा ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें, और जैसे बड़े बड़े टमाटरों की हमें ज़रूरत थी ठीक वैसे ही खूब बड़े बड़े टमाटर हो रहे हैं और गुच्छों में हो रहे हैं। अब देखिए आप, और अब बस करना यही है कि इन टमाटर के पौधों को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके लिए आप देख रहे होंगे कि हमने किस तरीके से लकड़ी लगा के इन पौधों को उनसे बांध रखा है, जिससे कि ये पौधे गिरे ना और प्लांट्स अच्छे रहेंगे तो उसमें टमाटर भी अच्छे होंगे। और हमेशा की तरह अगर हमें फ्रूट्स अच्छे चाहिए तो प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन अच्छा ही देना होगा, और उसके लिए आप घर में तैयार करके लिक्विड फर्टिलाइज़र समय समय पे हर 15 दिन में पानी के साथ डाइल्यूट करके इसमें डालते रहिए। और इसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने अच्छे टमाटर आपको अपने घर में कितनी आसानी से मिल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप 10 लीटर का एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और करीब 1 किलो मस्टर्ड केक जो कि बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं उसमें फूलने के लिए छोड़ दीजिए। और ये सीज़न में ज़्यादा नहीं, 10 दिन में आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। उसी फर्टिलाइज़र को आप पानी में मिला के
मतलब जो प्रिपेयर्ड तैयार हुआ हमारा फर्टिलाइजर है, उस एक लीटर लिक्विड को 10 लीटर पानी में मिला के इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े टमाटर्स लगे हुए, टमाटर्स पूरी तरह पक चुके हैं। आज देखिए इनमें से कुछ टमाटर को तोड़ेंगे हम लोग, तोड़ के आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से इसको यूज करेंगे। ये सब ऑर्गेनिक टमाटर्स हैं जो कि देखिए कितना टमाटर, इस तरीके से सारे टमाटर्स कलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इधर भी टमाटर ये लगा हुआ है, कितना बड़ा टमाटर है, पूरी तरह पक चुका है। सारे टमाटर्स कलेक्ट करके और इन टमाटर्स का आपको दिखाएंगे किस तरीके से कितना बेहतरीन खुशबूदार अचार तैयार होता है। और उसके लिए हम आपको ले चलते हैं फुलवा की रसोई में।